इस्तकबाल है नाज़रीन साहिल ऑनलाइन की फटाफट खबरों में। मकामी रियासती मुल्की और आलमी अहवाल से जुड़ी 12 अहम खबरों को देखिए महज 2 मिनट में। मौसलाधार बारिश के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत ही आफत। केरल में 37 लोगों की मौत तो हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ी खिसकने से मची तबाही। नोएडा में भी बारिश से बुरा हाल। बिहार के दरभंगा में गैस सिलेंडर में लगातार ब्लास्ट से थर्रा उठा पूरा शहर। दुकान में गैस से रिफिलिंग के दौरान पेश आया था हादसा। दुकान में मौजूद सिलेंडरों में एक के बाद एक हुए 3 बड़े धमाके। इलाके में मची अफरा तफरी। झारखंड में नक्सलियों ने बुलाया बंद। इलाके में फैला रहे हैं खौफ और दहशत का माहौल। बेरहम दरिंदों ने खूंटी में ट्रक समेत एक ड्राइवर को जिंदा आग के क्या हवाले। रोजमर्रा जिंदगी पूरी तरह ठप। लोगों ने जताई नाराजगी। बिहार के वैशाली में एक तकरीब के दौरान शराबबंदी की खुली पोल। कानून की भी उड़ाई गई धज्जियां। डांस के दौरान शराब के नशे में धुत लोगों ने की अंधाधुंध फायरिंग। जमकर उड़ाए नोट, वीडियो वायरल। मुरादाबाद में लुटेरों ने एक जौहरी से लूटी स्कूटी। स्कूटी में थे 30 लाख मालियत के सोने के जेवरात। स्कूटी के साथ भागते लुटेरे सीसीटीवी में हुए कैद। बिहार की जेडीयू बीजेपी सरकार में स्कूली तलबा के मुस्तकबिल के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। भोजपुर में तालिबान को पढ़ाया जा रहा है बलात्कारी बाबा आसाराम का सबक। बलात्कारी बाबा आसाराम को अजीम संत बताकर तालिबान को दी जा रही थी तालीम। स्कूल के खिलाफ नहीं की गई कोई कार्रवाई। खबर वायरल होने पर प्रिंसिपल ने किताब को तब्दील करने का किया दावा। दिल्ली के यमुना नगर में ITBP के जवान के अहलिया के साथ घर में घुसकर दरिंदों ने की इज्तिमाही इसमत रेजी। 3 मुलजिमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परेड में शामिल होने गया था ITBP का जवान। मुरादाबाद में भी एक नाबालिग के साथ की गई इज्तिमाही इसमत रेजी। 5 दिनों बाद भी पुलिस मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में नाकाम। तमंचे के बल पर अगवा कर दरिंदों ने किया था रेप। नोएडा में कार के अंदर सिगरेट फूंकने का शख्स आना। चलती कार में लगी भयानक आग। जलती सिगरेट कार में ही फेंकने से पेश आया था हादसा। चंद ही लम्हों में कार जलकर हुई खाक। जिला उत्तर कन्नड़ा पंचायत CEO मोहम्मद रोशन ने मुडेश्वर बीच का किया दौरा। खुद कचरा निकासी कर सफाई मुहिम का किया आगाज। सफाई सुथराई का खास ख्याल रखने का दिया हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार समेत इलाके के दीगर अफसरान भी थे मौजूद। जॉर्डन की दारुल हुकूमत अन्नान में पुलिस वैन पर किया गया बम से हमला। 3 पुलिस अहलकारों की हुई मौत। मुश्तबे दहशतगर्दों की तलाशी के दौरान हुआ था हमला। 3 मुलजिमों को किया गया गिरफ्तार। नाज़रीन देश दुनिया से जुड़ी बड़ी और अहम खबरों से हमेशा बाखबर रहने के लिए साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल करें सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करके हर खबर पर रखें सबसे पहले नजर। फिर होगी मुलाकात अहम खबरों के साथ। तब तक हम दीजिए इजाजत। आदाब।